जय श्री राधा कृष्ण। मकर संक्रांति के अवसर पर एक चीज है जो पूरे देश में फेमस है, क्या है वो चीज? तिल और तिल के लड्डू। लोग इस दिन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से तिल के लड्डू बनाते हैं, सूर्य देव सहित भगवान विष्णु और कुल देवी देवताओं को भेंट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मकर संक्रांति पे तिल के लड्डू बनाने और खाने की परंपरा क्यों है? अगर आप पौराणिक कथाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से बहुत नाराज हो गए थे और क्रोध में आकर अपने तेज से शनि देव के एक घर को जला दिया था। शनि देव का वो घर है कुंभ राशि। शनि देव ने अपने पिता से क्षमा मांगी और उनकी वंदना की तो सूर्य देव का क्रोध शांत हुआ। पुत्र शनि देव पर कृपा करके सूर्य देव ने कहा कि वो हर साल जब भी राशि चक्र में भ्रमण करते हुए मकर राशि में आएंगे तो शनि देव के एक अन्य घर को धन धान्य और खुशियों से भर देंगे। शनि देव के घर जब सूर्य देव का आगमन हुआ तो शनि महाराज ने तिल गुड़ से पिता सूर्य का पूजन किया और उन्हें खाने के लिए भेंट किया। इसकी एक वजह यह भी थी कि शनि देव के का जो घर था कुंभ, उसके जल जाने से शनि देव के पास और कुछ बचा ही नहीं था। पुत्र द्वारा तिल और गुड़ भेंट करने से सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और शनि देव से कहा कि जो भी मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से मेरी पूजा करेंगे उस पर शनि सहित मेरी भी कृपा बनी रहेगी। उस घटना के बाद से ही मकर संक्रांति पे तिल गुड़ खाने की परंपरा चली आ रही है। वैसे व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मकर संक्रांति का जो ये समय होता है ना, ये ठंड का समय होता है। तिल और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इस पर्व में तिल गुड़ खाने की परंपरा है, क्योंकि इससे शरीर में गर्माहट आती है। अब अगर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूं तो देखो, ज्योतिषीय दृष्टि से तिल और गुड़ से बना लड्डू बहुत ही लाभकारी होता है। तिल जो है वो शनि से संबंधित है और गुड़ सूर्य देव से संबंधित। तिल और गुड़ का मिलन शनि और सूर्य के मिलन का प्रतीक है, इसलिए इन दोनों को भेंट करने से सूर्य देव बहुत प्रसन्न होते हैं। तिल के लड्डू खाने से शरीर में शनि और सूर्य का संतुलन बना रहता है। अब तिल के लड्डू बनाए कैसे? बहुत आसान होता है तिल के लड्डू बनाना, बहुत आसान। आप पहले तिल को भून ले, इसके बाद अपने जितने भी आपने तिल लिए हैं उसी के अनुसार गुड़ में पानी डाल के इसे पका ले। जब गुड़ गाढ़ा हो जाए तो भुने हुए तिलों को इसमें डाल दे और हाथ में पानी लगाकर इसे आराम से गोल गोल इसके लड्डू बना ले। आप चाहे तो इसमें तिल के साथ मूंगफली और काजू भी भून के मिला सकते हैं। आपको बता दूं कि तिल तो कोई भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन काले तिल का मकर संक्रांति पे विशेष महत्व होता है। काले तिल से सूर्य और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और काले तिल के लड्डू तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। याद रखना, कोशिश करना मकर संक्रांति पे स्पेशली आप काले तिलों का प्रयोग करें। जो आगे गणेश चौथ आएगी उस पे हम सफेद तिल के साथ तिलकुट बनाते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।